किसान समृद्धि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे का दूसरा दिन आज उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। अबूधाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बैप्स मंदिर का करेंगे उद्घाटन। यूएई दौरे के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति अल नहयान के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। यूपीआई से जुड़ी साझेदारी की हुई शुरुआत। भारतीय समुदाय ने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। अहलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से भविष्य लिख रहे हैं भारत। यूएई विकसित भारत को बताया हर भारतीय का लक्ष्य। केंद्र सरकार का प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन और बढ़ाया। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में सस्पेंस खत्म। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। जरदारी ने दिया समर्थन। इंडोनेशिया में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए कुल 27 करोड़ आबादी में से 20.4 करोड़ लोग करेंगे मतदान। और देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। माँ सरस्वती की आराधना कर मांगा जा रहा है बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत का आशीर्वाद। नमस्कार, टीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात दौरे की। 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ द्विपक्षीय बैठक से होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अबूधाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बैप्स मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने में व्यक्तिगत सहयोग और उदारता के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद दिया है। यह अबूधाबी का पहला हिंदू मंदिर है। आज पूरी दुनिया एक बार फिर से सनातन संस्कृति के दिव्य रूप के दर्शन कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बैप्स हिंदू मंदिर का लोकार्पण करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्रा की अबूधाबी से ये खास रिपोर्ट। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन संस्कृति के दिव्य स्वरूप को देखेगी जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संयुक्त दृष्टिकोण की विराट अभिव्यक्ति है अबूधाबी का BAPS हिंदू मंदिर। दो संस्कृतियों का संगम जो इसे प्रयाग जैसा तीर्थ जैसा बना देता है, तो वहीं भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का भी इसे गौरव हासिल है।
मंदिर का निर्माण भूचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। मंदिर बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 108 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर में 7 शिखर और 410 स्तंभ हैं। 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं। मंदिर के निर्माण में 40,000 घन मीटर संगमरमर और 180,000 घन मीटर बलुआ पत्थर लगा है। मंदिर में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा सेंसर मंदिर में लगे हैं। अबू धाबी का ये हिंदू प्राचीन मंदिर निर्माण कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना है। दो संस्कृतियों के बीच का एक बड़ा महोत्सव है। हम कह सकते हैं कि ये एक अरेबियन संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति दो संस्कृति के बीच का एक सेतु बन रहा है और इसका महोत्सव का एक जो आनंद है, उमंग है, उत्साह है, बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति के दिल में एक अनोखा दिखाई दे रहा है। ये जो महोत्सव है उसके पीछे कहानी तो 25 साल पुरानी है। 25 साल पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो BAP संस्थान के गुरुदेव रहे हैं तो उन्होंने 1997 में यह संकल्प किया था कि अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनाना है और उस वक्त किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि ये हो सकेगा। लेकिन महापुरुषों के संकल्प में एक ताकत होती है, एक शक्ति ऊर्जा होती है, तो इसका अनुभव आज हो रहा है। यूं तो अबू धाबी में मंदिर निर्माण की परिकल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज जी द्वारा की गई, लेकिन अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद इस सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2017 में अबू धाबी के तत्कालीन युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन उपहार में दी और 2018 में UAE के दूसरे दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए शिला पूजन किया। 2019 में इस मंदिर को मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जी, एक कमल की तरह लग रहा है, ये रेगिस्तान में पिंक कमल है तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना, कमल को देखो तो शांति लगती है और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है और उसी के साथ साथ जब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी तभी भी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में दो चीजों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक, आने वाले सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगी और दूसरा ये जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित इस मंदिर के डिजाइन में अलग अलग मंडप बने हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह ही लोहे और स्टील का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में मंदिर की दीवारों पर शिव पुराण, भागवत पुराण और पंचतंत्र की कहानियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के साथ शिखर में अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य गुंबद में भगवान स्वामी नारायण, अन्य गुंबदों में श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, वेंकटेश्वर और भगवान अयप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में सनातन संस्कृति के प्रतीक के साथ साथ अरब संस्कृति, मिस्र संस्कृति और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चित्रण भी उकेरे गए हैं। अबू धाबी हिंदू मंदिर के गुंबदों का सद्भाव का गुंबद कहा गया है। यहाँ एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है जो गंगा, जमुना, सरस्वती के जल से अभिसिंचित है। मंदिर के बाहरी भाग को बनारस के गंगा तट जैसी अनुभूति देने की कोशिश की गई है। अरब क्षेत्र में इस मीनार के माध्यम से श्री राम कथा, कृष्ण कथा की अभिव्यक्ति, बनारस की तरह की संध्या आरती, विग्रह के समक्ष अखंड दीप का प्रज्वलन और आरती की सुर लहरियों से संयुक्त अरब अमीरात के इस मरुद्यान में भक्ति की नई धारा बहेगी। अबू धाबी में ये मंदिर समूचे भूभाग में एक मरुद्यान जैसा है। ये मंदिर समूची दुनिया को दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों को व्याख्यायित करेगा
ये मंदिर सनातन संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रवाहित करेगा। साथ ही साथ ये मंदिर भारत भारतीयता को नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये मंदिर दुनिया को बताएगा कि कैसे भारत भारतीयता में सर्वधर्म संभाव की बात कही जाती है और कैसे ये मंदिर बताएगा कि भारत विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, VAPS हिंदू मंदिर, अबुधाबी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव को मजबूत करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इनमें द्विपक्षीय निवेश, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राष्ट्रीय अभिलेखागार, विरासत और संग्रहालय के बीच सहयोग, भुगतान प्लेटफार्मों और घरेलू डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों को परस्पर जोड़ने से संबंधित समझौते शामिल रहे। अबूधाबी का जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। मौका था अहलन मोदी कार्यक्रम का, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीयता के भाव के साथ संबोधित किया। उन्होंने भारत और UAE के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत UAE संबंध जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। PM मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत UAE की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। भारत UAE की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और UAE का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आज UAE भारत का तीसरा बड़ा व्यावसायिक साझेदार है, 7वां बड़ा निवेशक है। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और UAE का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज UAE भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज UAE 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के सहयोग से UAE को अपनी घरेलू कार्ड प्रणाली को तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही UAE में UPI शुरू होने वाला है। हमने UAE के साथ
अपने रुपे कार्ड्स पैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है और जानते हैं भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीयों का अभिवादन किया। वे जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जीप में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। महामहिम आज दौसा में बालाजी मंदिर में आरती में शामिल होने के बाद दोपहर 2 बजे बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद में वह बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। उधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूर्ण रूप दे दिया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और DIIG एस परिमला ने डंगूरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP कुंदन कवरिया के साथ बेणेश्वर धाम पर तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के वलसाड जिले में धर्मपुर में राज्य के जनजातीय समूह के 200 से अधिक सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए नए नए कौशल सीखें। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि सरकार आदिवासी समूह तक सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए PM जनमन योजना लेकर आई है। उन्होंने जनजातीय समूह के सदस्यों को समुदाय के सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिन शब्दों के मूल में जिन शब्द है, जिन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भोग सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञान होता है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर भी रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही ऐसे तत्वों से बचने के लिए भी कहा है जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को MSP पर स्थायी समाधान खोजने का भरोसा दिया। इस बीच हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 2 दिन और बढ़ा दिया है। इधर दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बलें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। सरकार किसानों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में प्रमुख खाद्यान्नों का MSP 40-60% तक बढ़ चुका है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में करीब 35% तक की वृद्धि हुई है और लगभग इतनी ही ज्यादा खरीद हुई है। उत्पादकता बढ़ी है एवं कई योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय में भी तेजी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में देश के सफल किसानों में से 75,000 की सफलता की कहानियों का संकलन किया गया है। इसमें ऐसे किसानों की गाथा है जिन्होंने अपनी मेहनत एवं केंद्रीय योजनाओं के जरिए अपनी आमदनी को 5-6 सालों में दोगुना से अधिक बढ़ाने में सफलता पाई है। वर्ष 2013 से 2014 में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति पर सर्वे कराया था। तब प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी। इसके आधार पर केंद्र ने कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया, किसानों को नवीनतम तकनीक दी, जिसका असर हुआ कि साल 2018-2019 में किसानों की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2013 से 2014 के बीच 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुना बढ़ाकर साल 2024-2025 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से अमल करते हुए किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया था। इस पर तेजी से काम हुआ और परिणाम भी आया। आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 2015 में MSP पर कुल खरीद 761.40 लाख टन थी, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2022-2023 में खरीद बढ़कर 1,062.69 लाख टन हुई, जिस पर 2.28 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज ग्रेटर नोएडा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर MSME खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और कपड़ा मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित रहेंगे। नारायण राणे उत्तर प्रदेश के कानपुर, हिमाचल प्रदेश के बद्दी और मणिपुर के इम्फाल में 3 प्रौद्योगिकी केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वह उड़ीसा के करीमनगर और भवानीपटना में 2 विस्तार केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पड़ोसी देश पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री बनने की स्थिति अब साफ हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। गौरतलब है कि नवाज शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई है, लेकिन मंगलवार रात उन्होंने पीछे हटते हुए छोटे भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PMLN की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। नवाज ने खुद को आगे लाने के लिए भाई शहबाज और बेटी मरियम नवाज का भी आभार जताया। पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ के इस निर्णय की जानकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए और मरियम नवाज पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की ओर से नामित की गई हैं। इससे पहले शहबाज ने पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नवाज शरीफ के नाम की घोषणा की थी। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है, इसलिए वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। उनकी पार्टी PMLN की सरकार का समर्थन करेगी, लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी। 2 दिन चली पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद भुट्टो ने यह बात कही है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी इंडोनेशिया के लिए आज 14 फरवरी की तारीख बेहद अहम है। दरअसल आज न केवल एक नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन होगा बल्कि संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी चयन होने वाला है। इससे दुनिया के सबसे बड़े एकल दिवसीय चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के देश के नए राष्ट्रपति चुनाव से पहले अंतिम तैयारी कर ली है। 20 करोड़ से अधिक मतदाता नए राष्ट्रपति और कई विधायी सांसदों पर फैसला करने वाले हैं। दावेदारों में सबसे बड़ी पार्टी के गंजर प्रोणोवो और स्वतंत्र अनीस बसवेदन हैं। दोनों 50 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व गवर्नर हैं और रक्षा मंत्री प्रोवोवो सुबियांतो 72 वर्षीय पूर्व विशेष बल कमांडर हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए तीसरा प्रयास कर रहे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं। और आज देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला ये पर्व बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। आज कई शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, साथ ही पवित्र घाटों पर सुबह से स्नान ध्यान का क्रम शुरू हो चुका है। विशेषकर विद्यार्थी माँ सरस्वती से विद्या ज्ञान और कला का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया, साथ ही महाकाल की विशेष आरती भी की गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने शुरू हो गई है। साथ ही बनारस की बात करें तो यहां भी बसंत पंचमी का पर्व आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और शहला निकार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।